नमस्कार दोस्तों, शॉटगन की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपको दो विदेशी साइड बाय साइड 12 बोर शॉटगन दिखाएंगे, बहुत ही मशहूर कंपनी की। इन पर पहले भी हमने वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ दोनों इकट्ठी हैं इस समय हमारे पास। एक 27.5 इंच बैरल लेंथ में और एक 30 इंच बैरल लेंथ में। समझने वाले समझ गए होंगे ये कौन सी हो सकती है ये गन्स। ये है मेड इन फ्रांस। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं फुसिल रोबस्ट ब्रेवेट मेड इन फ्रांस 12 बोर शॉटगन। ये एक साइड बाय साइड शॉटगन है। ये इसकी पे आप फेस हार्डनिंग देख सकते हैं। फुसिल रोबस्ट ब्रेवेट 222 इसका नंबर है। एक बैरल इसकी फुल चोक होती है और एक हाफ चोक होती है। लेफ्ट साइड की बैरल इसमें फुल चोक रहती है। ये दूसरी रोबस्ट, दो रोबस्ट दिखा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको। दोनों 222 हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक 27.5 इंच बैरल लेंथ में है और एक 30 इंच बैरल लेंथ में है। ओवरऑल 27.5 इंच बैरल लेंथ। और ये दूसरी को देखते हैं, दो रोबस्ट हम दिखा रहे हैं। एक 30 इंच बैरल लेंथ में है और इसकी ओवरऑल लेंथ है 46.5 इंच। ये 27.5 इंच बैरल लेंथ वाली का वजन 3 किलो 34 ग्राम। 30 इंच बैरल लेंथ का वजन 3 किलो 146 ग्राम। बहुत कम फर्क है। रोबस्ट 222 फुल चोक होती हैं और बहुत ही क्लोज ग्रुप मारती हैं ये। तो ये दो मेरे हाथ में हैं, ये मेड इन फ्रांस रोबस्ट, एक 27.5 इंच बैरल लेंथ और एक 30 इंच बैरल लेंथ में। सरफेस हार्डनिंग या फेस हार्डनिंग जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो ये एक चीज इसमें देखने को मिल रही है हमें। और यहाँ रोबस्ट, जिन पार्ट्स का बहुत ज्यादा यूज रहता है उसे इस ढंग से बनाया जाता है कि ये ऊपर से हार्ड हो जाएं लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहें ये, ताकि वियर एंड टियर इसका कम हो जाए। बहुत ही बेहतरीन बैरल कंडीशन है इनकी। और ये नॉन इजेक्टर है। ये रोबस्ट की जो खास बात इन गन्स की, इसकी शिलिंग पहले भी हमने एक वीडियो में दिखाई थी। अगर शिलिंग यूज करनी है तो लगा लो, अगर यूज नहीं करनी है तो इसे खोलो। ये सीट बेल्ट की तरह के अंदर चली गई। बहुत ही स्मूथ है खोलने में, बिल्कुल सॉफ्ट। सेफ्टी इसमें ऑटो नहीं होती है, जैसे कि ये मैंने कारतूस डाले, डालो और फायर करो, सेफ्टी ऑटो नहीं है इसमें। जबकि मैक्सिमम में गन्स में सेफ्टी ऑटो रहती है, एफटी आपको खुद लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये कारतूस डालते ही फायर के लिए रेडी हो जाती है गन। ये अब ये 30 इंच बैरल लेंथ में, इसकी भी सरफेस हार्डनिंग की गई है। अब इसका लॉकिंग मैकेनिज्म देखें, एक लॉक इसका यहां लगता है जाकर, ये अंदर लॉक है इसमें यहां, जो कि इसमें फंसेगा जाकर, ये पूरी लॉक होगी गन। ये इस पे भी हम सरफेस हार्डनिंग देख सकते हैं। नंबर 222 रोबस्ट, बस फर्क सिर्फ बैरल लेंथ में है और कोई फर्क नहीं है, दोनों गन्स में बिल्कुल सेम है। बट ग्रिप इसकी बहुत ही स्लीक, बहुत ही स्लीक है, यहां से बहुत ही पतली है। कुछ लोग इन पुरानी विदेशी गन्स के प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस बताना बेहद मुश्किल है। ये डीलर पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा है, और मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता हूँ। गन की कंडीशन, वो कितनी रेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
इस प्रकार की गन 80,000 से लेकर डेढ़ लाख तक हो सकती है। जिसके पास ये गन होती है वो अपनी इच्छा अनुसार प्राइस लेता है इसके। तो उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो ओरिजिनल कंडीशन में है कि बट ओरिजिनल है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कई कई बातों पर उसका प्राइस डिपेंड करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दो रोबस्ट पाराबोर गन्स दिखाई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।